नई उत्साह और नई उमंगों के साथ अगली टॉपिक तद्भव तत्सम शब्द। जैसे कि आप जानते हैं कि तद्भव तत्सम एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही मुख्य पॉइंटों में गिना चुना जाता है, तो इसको समझना और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जैसा कि आप इसके बारे में कई बार निचली क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, और रिवीजन के तौर पर आपके सामने मैं फिर से आपको समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और शॉर्टकट या फिर उसके कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके कारण तद्भव तत्सम शब्द बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि तद्भव क्या होता है, तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द वे शब्द जिन्हें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। करने का मतलब ये है कि वे शब्द जो कुछ संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किया जाते हैं। करने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्राचीन काल से भी अब तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि जो पहले संस्कृत भाषाओं का उपयोग किया जाता था ऐसे शब्द जो संस्कृत में ही अब तक विद्यमान है, चाहे वो हिंदी में प्रयोग किए जाएँ या संस्कृत भाषाओं में प्रयोग किए जाएँ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिन थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें कुछ आम बोलचाल की भाषा में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ परिवर्तन करने के कारण, ठीक है, उनका अर्थ तो बदलता नहीं है लेकिन उनकी जो भी प्रकृति है, ठीक है, मतलब सामने प्रकट होने की या फिर बोलने की, ठीक है, वो बदल जाती है, ठीक है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। वे तो अर्थ उनका वही होता है लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो करके उनके उच्चारण में कुछ बदलाव आ जाता है, वे तत्सम होते हैं। पहले तो संस्कृत भाषा से ही बने होते हैं, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द जो होते हैं संस्कृत भाषा से बने होते हैं, जो शब्द संस्कृत में ही पहले विद्यमान थे और अब भी विद्यमान है उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है, कैसे पहचानते हैं तद्भव तत्सम शब्द को, कैसे पहचाना जाता है। पहचानने के लिए कोई आपके लिए कुछ शॉर्ट तरकीब है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं। जैसे तत्सम शब्दों के पीछे छ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा तद्भव तत्सम शब्दों में पहले अंतर कर लीजिए, इसके बाद आप ये ट्रिक समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है, जो तत्सम शब्द होते हैं उनके पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तत्सम तो पहले छ होते हैं लेकिन बदलने के बाद, मतलब तद्भव में परिवर्तन होने के बाद या तो ख बन जाते हैं या छ बन जाते हैं। अभी आपके सामने उदाहरण दिया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा आखिर इनमें परिवर्तन होता है क्या है और कैसे होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है, अर्थात कहने का मतलब यह जो स्र है वह किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। ये छोटी सी टॉपिक है समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि छ जो है ख और स बन छ बन जाता है, स्र जो है स बन जाता है, ठीक है। उच्चारण देखिए, हिंदी ऐसी भाषा बोली होती है या भाषा कह ली, उनमें उच्चारण जितना बेहतरीन करेंगे आप उसको समझने में उतनी ही आसानी होती है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, तत्सम शब्दों में स का प्रयोग स का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। स और स दोनों में अंतर होते हैं उच्चारण में, जो स होता है वह स बन जाता है, ठीक। अगला है चौथा नियम, तद्भव शब्दों में जो होता है खटकोण वाला ख वर्ण का प्रयोग होता है या केवल केवल तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो है आपका, तत्सम शब्दों में स्र जो है ऋषि जो है ऋषि वाली ऋ की मात्रा का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में ऋ क्या मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ख और इसके बाद पांचवा जो रूल कहता है वह तत्सम शब्दों में ऋषि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है छठवां रूल क्या कहलाता है, तत्सम
शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है, र की मात्रा, ठीक है दोस्तों। या तो री जो ऐसे आप यूज करते हैं किसी भी मात्रा पर, जैसे कृषक लिख रहे हैं तो ऐसे करके ऐसे यूज करते हैं आप, ये होता है कृषक, जो ये मात्रा होती है री की कहलाती है, ठीक है, ऋषि की। और जैसे र की मात्रा का मतलब आप बात करते हैं, जैसे आप ग्रह ग्रहण लिख रहे हैं तो जो ये वाला चीज होती है वो, ठीक है, फिर से समझा रहे हैं आपको, जो र की मात्रा करने का मतलब है, जैसे आप ग्रहण लिख रहे हैं, ठीक है, तो ग्रहण जो ये वाली मात्रा आपका र उसकी र की मात्रा होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए सातवां जो रूल कहता है, तद्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में जो व रहता है वह बदल जाता है ब में। अभी आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द किस में परिवर्तित होता है, ठीक है, और किस शब्द में कौन सा शब्द आने से वो तद्भव होता है और किसके आने से वो तत्सम बदल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है, कौन कौन से पहचानिएगा, आश्चर्य और अचरज देखने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया था जो ऋषि, ठीक है, यह जो है आपको केवल तत्सम, यह आपकी यह पहली वाली जो टेबल है वह तत्सम है और यह वाली टेबल जो है वो तद्भव कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आश्चर्य देखा कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी आश्चर्य है उसमें दो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आश्चर्य एक तो ऋषि वाले री की बात, ठीक है, और इसके बाद र की मात्रा, ये जो आप देख रहे हैं उड़ुआ र, ठीक है, इसे बोलते हैं। इसके बाद आँची, आँची जो बदल गया है आँख में, मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा जो छतरी वाला छ है वह किस में बदल गया, ख में। यह नियम है पकड़ने का कौन तद्भव कौन तत्सम, इसके पहले आपको बताया गया है, ठीक है। अमूल्य क्या हो गया है, अमूल्य जो हो गया है अनमोल में बदल गया है, समझिएगा। इसमें क्या है कि कुछ बताया गया है आपको कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो तो होते हैं संस्कृत में सेम, मतलब पहले से विद्वान रहते हैं, अपने प्रारंभिक रूप में रहते हैं, लेकिन जो तद्भव होता है उनकी रूप बदली हुई अवस्था होती है, ठीक है, मतलब वो तत्सम से बदले हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए आगे अमूल्य, अमूल्य हो गया है अनमोल, देखिए कितना परिवर्तन है। अग्नि, अग्नि हो गया है आग, यहाँ से देखिए अब न को हटा करके क्या बदल दिया गया है, ग पूरा कर दिया, आग बदल गया है। जैसे कि आप बताया भी गया है कि आम चल भाषा में काफ़ी हम लोग तद्भव शब्द का यूज करते हैं, तद्भव मतलब इसका मतलब भव मतलब होना, जो बदल चुका है हो चुका है, ठीक है। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है जो पहले से, सम का मतलब समान है, जो समान है पहले से वो होता है तत्सम। अंधकार, अंधकार जो हो जाता है अंधेरा में बदल जाता है। अगम्य, अगम्य हो जाता है अगम, ठीक। तो यह आपको ध्यान में रख करके चीज़ों को समझना है, छोटी सी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे जिनको पहचानना पकड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आगे अकस्मात, ये क्या इसमें बदल गया, अचानक में। आलस से जो है आलस हो गया, इसमें क्या किया गया है कि जो यह है यह को हटा करके पूरा यह कर दिया गया है, ठीक है, मतलब आलस से यहाँ संधि विच्छेद करके इसको हटा दिया है, बस केवल क्या किया आलस हो गया। यह हम जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड जो हमारी दैनिक जीवन में या दिनचर्या में हमेशा यूज किए जाते हैं उनमें काफ़ी बदलाव होता है, ठीक, तो वह लगभग तद्भव होते हैं। अश्रु, अश्रु क्या हो गया, आंसू हो गया, जैसा कि हम नियम में पकड़ सकते हैं, नियम से पकड़ सकते हैं, जो स्र और किस में बदल गया, स में बदल गया। अक्षर जो है अक्षर में बदल गया, अभी नियम आपको बताया था कि छ जो है छ में बदल गया, जो छ है वो किस में बदल गया, छ वाला छाता वाला में, ठीक है। अंगरक्षक जो है अंगरखा हो गया, ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया छतरी वाला छ जो है वह किस में बदल सकता है, ख में बदलेगा, जैसा नियम से आपको पकड़ना, काफ़ी अच्छे वर्ड मिलेंगे आपको, जो नियम अगर आपको पता रहेगा तो आप पकड़ सकते हैं उसको आसानी से। आश्रय, आसरा हो गया, फिर देखिए नियम से पकड़ सकते हैं। स्र जो है किस में बदल गया, स में बदल गया। अगला पॉइंट आशीष, स बड़ा सा छोटा सा में हो गया, जैसा कि आपका ठुकड़ा वाला शाह देख रहे हैं, खा देख रहे हैं, ठीक है, वो किस में बदल गया, छोटा वाला समय बदल गया, यह भी नियम से आप कर सकते हैं। होस्ट जो है होट में बदल गया, आपको यहाँ पर देख रहे हैं कटकोड़ा रखा है, उसको हटा करके केवल ठप लगा दिया जाए, यह नियम से है। अतारिका जो है आरती में हो गया,
आरात्रिका जो है किसमें बदल गया, आरती में बदल गया, अमृत जो है अमी या अमी हो गया, अमी या अमी हो गया, ठीक है। अंध अंधा हो गया, अंध किस में बदल गया, अंधा में बदल गया। अदरक जो है अदरक में हो गया, अभी बताया गया था कि तत्सम में र वाली मात्रा का प्रयोग होता है और तद्भव में र वाली मात्रा का कम प्रयोग या नहीं होता है। अन्न जो है अनाज में बदल गया, अग्रणी अगुआ में बदल गया, जैसा कि यहाँ से जो रिलेशन बताया गया। छ जो है वह किस में बन गया, ख में बदल गया। यह कॉमन चीज़ें हैं, आपको पकड़ सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर अछोट देखिए, अखरोट बदल गया, छ फिर ख में बदल गया। नियम आपको बताया गया है, अगर आप बीच से देख रहे हैं तो पहले आप देखने का प्रयास कीजिए। अटालिका जो है अटारी में बदल गया, ठीक है। अंगुली उंगली में बदल गया, ठीक है। आगे अंचल आंसल में, अंजलि अंजुरी में, अगणित अगणित है किस में बदल गया, अगणित, ठीक है। अनगिनत, ठीक है, बदल करके हो गया है, पहले क्या था अगणित था। अद्य अद्य बदल करके आज हो गया। एक नियम और आपके सामने है कि जो अद्य होते हैं वो बदल जाते हैं तद्भव में, ज में बदल जाते हैं, किसमें, तद्भव शब्द बन जाते हैं। अम्लिका अम्लिका जो होती है बदल जाती है इमली में। अमावस्या जो तत्सम है वो बदल गया अमावस, जैसा कि आम भाषा में आप सुने भी होंगे, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। अपर्ण जो है अर्पण में हो गया, अनार जो है अनारी में हो गया। अनारी तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे इस शब्द से, अनार यह देखिए ड में बदल गया। आदित्यवार जो है इतवार बन गया, यहाँ पर यह का उपयोग किया, यहाँ पर हटा दिया गया। अमलक आंवला में, ठीक है, आंवला किस में बदल गया, आंवला में बदल गया, ठीक है। आगे देखिए आश्रय जो है आश्रय में, जैसा कि बताया गया स्र जो बदल जाएगा स में बदल जाता है, अग्नि आग में बन गया, ठीक है। आगे देखिए कुपुत्र जो है कपूत बन गया, कुपुत्र कपूत बन गया, जैसे आप समझिएगा कि पुत्र और पूत दोनों में काफ़ी अंतर है, पुत्र पूत में काफ़ी अंतर है। यह पूत शब्द जो है तद्भव में लिया जाता है और पुत्र जो है तत्सम से आता है, ठीक है। कर्म काम में बदल गया, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो र वाली मात्रा होती है वह केवल तत्सम में यूज होती है, जैसा कि यहाँ पर जो देख रहे हैं। कॉक जय कौवा बन गया, कपूत कबूतर बन गया, ठीक है। केदली कदली केला बन गया, ठीक है दोस्तों समझिए, कदली जो है केला बन गया, कपाट जो है किवाड़ बन गया, ठीक है। यहाँ पे कीट कीड़ा बन गया, ट से ड बन गया, ड बन गया, ठीक है। आगे देखिए कोप, अगर आप उच्चारण सही करेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कूप कुआं हो गया, देखिए समझिए कूप या संस्कृत वर्ड है जो इस समय हम यूज करते हैं, वो तद्भव शब्द है, ठीक है। कोकिल जो है कोयल हो गई, और कणक कान हो गया, कृषक किसान, जैसा कि नियम से अगर इसको पकड़े तो जो बताया गया नियम, ख जो है खटोना ख जो है वह समय बदल गया, परिवर्तित हो गया, थोड़े से परिवर्तन से उसमें तद्भव से तत्सम से तद्भव हो गया, ठीक है। कुम्भारकर जो है कुम्हार हो गया, देखिए पहचाने का प्रयास करिए, इसमें ब है इसमें हटा करके तद्भव शब्द बना दिया गया, कुम्हार बना दिया, ठीक है। आगे देखिए इष्टिका, इष्टिका जो है बदल करके ईट बन गई, खटखोड़ वाला ख को इसमें से हटा करके यहाँ पर केवल ट का यूज किया है और क को भी हटा दिया इसमें से, इस वजह से ख में बदल गया। नियम से स किस में बदलता है, ख में बदलता है, ठीक है। आगे देखिए इस्या, इस्या जो है ईरखा में बदल गई या खा में बदल गई, ठीक है। और यहाँ से कठोल वाला ख को हटा करके र बना दिया गया। उलूक उलूक, यहाँ पर क्या हो गया, उल्लू हो गया, पहले उलूक था और बदल गया उल्लू में। ऊंचा अब ऊंच बन गया, उज्ज्वल जो है उजाल उजला बन गया, मतलब यहाँ पर देखिए डबल ज हुआ, मतलब यह संस्कृत शब्दों का एक समूह है,
और बदल करके हमारी आम चाल भाषा में यूज किए जाने वाली तद्वत शब्दों में बदल गया। उष्ट ऊट हो गए, उत्साह उत्साह हो गए, उपलब्ध उपलब्ध जो है आपका उलाहना बन गया। ठीक है, उद्धर्तन उद्धर्तन जो है आपका उबटन नामक शब्दों में परिवर्तन हो गया। इला इलायची और रिच रिच जो रिच बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिच जो है रिच बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ही कोक हो गया, क्लेश जो है कलेश बन गया, क्लेश बन गया। कास्ट जो है काठ बन गया, यहाँ पर कटखोड़ वाले खा को हटा करके केवल ठ का यूज किया गया है। कृष्ण जो है किशन बन गया, यहाँ पर देखिए ज़्यादातर यहाँ पर नियम से यही है कि इसको वो इस वाली चीज़ को हटा करके कटखोड़ वाला खा को हटा करके वहाँ पर पूरा रूप दे दिया जाता है आगे वाले पद को। किशन बन गया, किशन या किशन हो गया। कुष्ठ या कोड बन गया, देखिए यहाँ पर बहुत है कि कटखोड़ वाला ख को हटा दिया जा रहा है और आगे वाले ठ या कोई भी है उसमें परिवर्तन करके कुछ पूर्ण रूप वाले शब्द या वर्ड बन जा रहे हैं। कृतगृह 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 का मतलब कचहरी। ठीक है, आप जानते हैं यह तद्भव शब्द और यह तत्सम शब्द। कर्पूर उच्चारण सही कीजिए, कर्पूर और कपूर दोनों में अंतर है, कर्पूर और कपूर। कार्य मतलब काज, जैसा कि आप जानते हैं आमचल भाषाओं में काज का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कार्तिक कार्तिक हो गया, कार्तिक कार्तिक हो गया। कुकुर जो बन गया कुत्ते में परिवर्तन है। कछप कछुआ, देखिए ये सब जो ज़्यादा शब्द हैं ये सब आम एग्जामों में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखिए। या तो अगर आपके पास पेन कॉपी है तो उसको नोट करके अपना संग्रहण कर लीजिए, हमेशा के लिए काम आएगा। आगे देखिए तद्भव तद्भव सब कुछ आगे दिए गए हैं। कंटक कांटा के बदल गया, कृपा जो है कृपा में बदल गई, कपर्दिका कौड़ी में परिवर्तित हो गई, कुंज कुब्ज कुबड़ बन गया, कुब्ज जो था वो कुबड़ बन गया। आगे कोटि करोड़ हो गया, जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत शब्दों में कोटि शब्द का ज़्यादा उपयोग किया जाता है लेकिन आंचल भाषाओं में करोड़ शब्द का उपयोग किया जाता है। कर्तव्य जो है कर्तव्य में बदल गए, कंकड़ कंकड़ जो है कंगन में बदल गए, किंचित कुछ केवर्त केवत। जैसा कि शब्द दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जामों में जिनका अर्थ निकालना होता है आमचल भाषाओं में। ठीक है, इससे आपकी एक और तैयारी बढ़ती जा रही है कि कुछ शब्दों को पहचानने का आमचल भाषाओं में क्या अर्थ होता है। ऐसा कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं किंच शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उसका मतलब होता है कुछ। तद्भव शब्दों से ही हमें समझने की ज़्यादा चेष्टा मिलती है। केवर्त जो केवर्त का मतलब अगर पूछ दिया मतलब वैसे एग्जामों में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो उसको अगर हम समझें नावत नाम मतलब नाम से किसमें तद्भव में तो केवट केवट आप जानते ही हैं, केवट जो नाव को चलाने या उसको आर्फ किसी भी राही को किसी भी नदी को पार करने के लिए जो नाव चलाता है वो क्या कहलाता है, केवट कहलाता है। घोटक क्या है, घोटक घोड़ा कहलाता है। गृह जो है घर है, गृहित मतलब कि आप जानते हैं सीधी सीधी बात, ये सब जो शब्द हैं काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे देखिए देखिए अब आपके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जामों में पूछे गए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। छिद्र है छेद बदल गया, ज्येष्ठ है ज्येष्ठ हो गया, जीवा जीव बदल गई, ताम्र जो है तामा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, आगे देखिए तेल जो है तेल हो गया है, त्वरित तुरंत हो गया है, इसको समझने का प्रयास करिए। या एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा आप क्लियर करते जाइए। दंड डंडा बन गया, दधि दही बदल के, दंत दांत हो गया, द्वादश जो है बारह बन गए हैं। आप जानते हैं कि अगर इंग्लिश पढ़े होंगे संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको द्वादश शब्द का यूज जरूर किया गया होगा, उसका अपचल अब भाषाओं में हिंदी भाषाओं में और यहाँ चलता था शब्दों में बारह बन गया है। द्विगुण मतलब द्विगुण जैसा हम जानते हैं कि दो गुना, दुग्ध दूध हो गया, धैर्य धीरज बन गया, धूम जो है धुआं हो गया, नयन नयन बन गए, निद्रा जो है नींद बन गई है। और आपके आगे है निष्ठुर जो है निठुर बन गया। ठीक है, पद जो है पैर बन गया, पश्चाताप जो है पछतावा हो गया,
पक्षी जो है पंख बन गए, प्रकट प्रकट हो गया, प्रतिवासी जो है पड़ोसी हो गया, प्रस्तर जो है पत्थर बन गए। कुछ ऐसे शब्दों हैं जिनमें आप आसानी से पहचान सकते हैं, कुछ ऐसे हैं थोड़ा सा जिनको पहचाने में दिक्कत होगी तो उसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप अपने अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, यह तो आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आगे है, प्रहरी जो है प्रहरी बन गया है, प्रतिवेशी जो है पड़ोसी बन गया है, पट जो है पट बन गया, विस्थित का जो है पिटी हो गई है, पत्र पत्ता हो गया, प्रस्तर जो है पत्थर बन गए, और है पण्यशालिक जो है पंसारी बन गया, ऊपरी पर हो गए। आगे पण्यशालिक जो पंसारी हो गया ऊपरी, और परिकुट जो है परकोटा बन गया। यह आपको याद करना होगा किसी भी तरह अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो। आगे देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड आपके लिए चुन के लाए गए हैं। थोड़ा सा लवण जो है नमक हो गया, ठीक। लोमस जो है लोमड़ी हो गई, विवाह है बारात बदल गई है, वर यात्रा जो हुई बारात हो गए, ठीक है। विग्रह है बिगाड़ बन गया, विष्ठा जो है बीट बन गया, ठीक है। और विद्युत जो है बिजली हो गई, यह सम शब्दों में है और ये तद्भव शब्दों में, ठीक है। बाग्र जो है बाघ बन गया, वंश बांस हो गया, वक जो है बगुला हो गया, वृश्चक जो है बिच्छू बन गया, वर्धकिन बटाई, वारिद बादल बन गया, ठीक। और कुछ शब्द ऐसे मिल रहे हैं जो पर्यायवाची शब्दों के लिए आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द एग्जामों में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूछेगा कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कौन से शब्द का कौन सा अर्थ होता है। इससे आपको कई तैयारियां होंगी। पहले तो अनेकार्थी था शब्द मिल जाएंगे, पर्यायवाची मिल जाएंगे, तद्भव तत्सम समझ में आ जाएगा। आगे वर्धकिन जो है बढ़ई हो गया, बारिद बादल बन गए, वातुल लक जो है बावला बन गया, और विल्क जो है विल्व जो है बेल बन गया, व्यथा विधा हो गई, बदु वो बहु बन गई, बट बरगद बन गया, वाड़िक बनिया है, वृद्ध बूढ़ा बन गया, बानर बंदर हो गया, वाप्स जो है भाप बन गए, ठीक है। वर्ष जो है बरक बन गया, व्याख्यान बखान बन गया, वार्ता बात हो गई, वाराणसी जो है बनारस शब्दों से प्रचलित हो गई है, विग्रह बिघा हो गया, वेश जो है भेष हो गया, सकुन जो है सगुन हो गया। आगे देखिए सलाकी का जो है सलाई बन गई, असत जो है सौ बन गया, जो हम आम चल भाषा में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, सत का उपयोग ना करके सौ का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षा सीख में परिवर्तित हो गई, श्रावण सावन बन गया, श्रृंगार सिगार बन गया, ठीक है। श्वास जो है सांस बन गई, ठीक है। देखिए आगे सूकर जो है सुअर बन गया, सप्तसती जो है सतसई बन गया, श्यामल सांवला बन गया, सांप श्राप बन गया, सुंगष्टिका जो है सोट है, श्रृंगाल सियार बन गया। श्रृंग शब्द का उपयोग हम तद्भव सिंह शब्दों में करते हैं। फर्स्ट छठ सस्कंद कंदा, स्कंद भार जो है कहार हो गया, ठीक है। आगे है स्तंभ खंभा हो गया, स्थापक जो है ठप्पा बन गया, साक्षी साकी सूर्य सूरज में बदल गए, सूची सुई में परिवर्तित हो गई, ससर्प जो है सरसों में परिवर्तित हो गया, हास्य हंसी और हस्तिनी जो है हथनी में परिवर्तित हो गया, स्यालक जो है साला में, स्वसुर जो है स्वसुर उच्चारण करने का प्रयास करिए, स्वसुर यहाँ पर क्या हो गया ससुर हो गया, सरकर शक्कर में बदल गया, साक जो साग में बदल गए। आगे शीतल शीतल जो है शीतल में बदल गया, सुंड सुंड हो गया, श्रद्धा साध हो गई, स्फोटक जो है फूट नामक शब्दों में बदल करके तद्भव शब्द बदल हो गए हैं। आगे देखिए जैसा कि आप ऐसे शब्दों को आपके लिए लाए हैं छांट करके जो एग्जामों में ज्यादा पूछे जाते हैं, होलिका होली हो गई, हस्त जो है हाथ में परिवर्तित, हत्याकार होली हो गई,
हत्याकार जो है होली बन गई, हृदय जो है हिया हो गया, सियालस जो है साला बन गया, सस्या सेज हो गई, सरकरा सरकरा शक्कर हो गई, ससुर जो है ससुर में बदल के साग साग हो गया, श्रृंखला श्रृंखला साग सांकल हो गया, श्रृंगार शिकार हो गया, श्रृंगाल सियार हो गया, श्रावण सावन हो गया, शिर शीर हो गया, शिला शील हो गया, शिक्षा सीख हो गई, शीर्ष शीश हो गया, श्रेणी सेठ हो गया, अकंद जो है कंदा नामक शब्दों में बदल गया, अस्तन थन हो गया, सप्त सात हो गए, स्वर्ण सोना हो गया, सूर्य सूरज, सूत्र सूत नामक शब्दों में परिवर्तित हो गए, सौभाग्य सुहाग, हस्त हाथ हस्तनी हाथी, हरिद्रा हल्दी, हास्य हसी, क्षार जो है खार में परिवर्तित हो गया, क्षेत्र जो है खेत नामक शब्दों में बदल करके इस मतलब तद्भव तत्सम शब्दों में बदल चुके हैं। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक में इस वीडियो में अगर आपने ध्यान से नियम पढ़े होंगे तो आप किसी भी शब्द को आसानी से पहचान करके तद्भव तत्सम शब्दों में पहचान कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है दोस्तों। अगर और इसी तरह आपको हिंदी संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाई जाएंगी जिसमें अगर आप बनवाना चाहते हैं कोई भी वीडियो आपको समझ में ना आए उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।